हेलो स्टूडेंट्स आज हम सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक प्रोसेस है केवल एंजियोस्पर्म में होता है दैट इज इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय नोश्चिन इन लिलियम एंड फ्रटिलेरिया प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन में दो बार फ्यूज़न होता है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक्ट में एंटर करती है उससे पहले या उसके बाद दैट इज फर्टिलाइजेशन से पहले जो दो मेल गैमिट्स हैं वो बन जाते हैं जेनरेटिव सेल से और जेनरेटिव सेल से जो दो मेल गैमिट्स या स्पम सेल्स से बनती हैं वो पोलन ट्यूब के सहायता से अब एम्ब्रोसैक में एंटर करती है जो इनमें से दो मेल गैमिट बनते हैं ये दो मेल गैमिट दोनों ही डी जेनरेटिंग में छोड़ दिए जाते हैं और ये डी जेनरेटिंग में छोड़ने के बाद इनमें से एक स्पम सेल का न्यूक्लियस एग सेल से फ्यूज होता है ये एग सेल है दो सिनर्जिट के बराबर में है जबकि इसका जो दूसरा न्यूक्लियस है दूसरा जो स्प सेल का न्यूक्लियस है मेल गैमेट का न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता किससे जो दो पोलर न्यूक्लियाई पहले प्रेजेंट थे वो फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले दोनों फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस तो जो पोलन ट्यूब में दो मेल गैमिट्स बनते हैं उनमें से एक मेल गैमिट तो एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस जो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है दो पोलर न्यूक्लिया के विजन से उनसे बनता है तो जो एक न्यूक्लियस इसका एग सेल से फ्यूज होता है इसके फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी और जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के न्यूक्लिया आपस में फ्यूज़ होते हैं तो दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इससे क्या बोलते हैं डिप्लॉयड जाइगोड जबकि जो सेकेंड न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के द्वारा जो दो सेकेंड न्यूक्लियस एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से या दो पोलर न्यूक्लियस से जब वो फ्यूज होता है तो दोनों के फ्यूजन से बनता है स्ट्रक्चर पैन प्राइमरी न्यूक्लियस और जो सेंट्रल सेल है, अब वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पाम सेल में तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं दो पोलर न्यूक्लियाई वाले जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस तो तीन न्यूक्लियाई फ्यूज गैम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं जबकि जो ये वाला फ्यूजन है इसको हम बोलते हैं तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को सिंगी बोलते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमिट के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं देयरफॉर डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन अब इस डबल फर्टिलाइजेशन में दो तो न्यूक्लिया ये वाले और एक न्यूक्लिया ये वाला तो तीन तो ये न्यूक्लियाई हो गए एक न्यूक्लियाई एक्सेल का और एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट का यानी कि फाइव न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं प्लस या हम कह सकते हैं थ्री गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं तीन गैमिट्स कौन कौन से एक एक्सेल प्लस दो मेल गैमिट्स एक मेल गैमिट एक्सेल के साथ और एक मेल गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ इसमें पांच न्यूक्लियाई अगर वो पूछे कितने न्यूक्लिया इन्वॉल्व है तो पांच लेकिन गैमेट्स कितने इन्वॉल्व है तीन तो तीन गैमेट और फाइव न्यूक्लियाई या थ्री गैमेट्स एंड फाइव न्यूक्लियाई तो डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर है और जो एक मेल गैमेट जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो एक डबल डिप्लॉय स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या बोलते हैं हम जायॉड और फिनोमिन क्या कहलाता है सिन जबकि दूसरा मेल गैमेट सेकेंड न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और प्रोडक्ट बनता है थ्री एंड पैन प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस ट्रिपलॉइड होता है और सेल जो है सेंट्रल सेल वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पम सेल में और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन अब चूंकि यहां पर फ्यूजन दो बार हो रहा है एक बार यहां और एक बार यहां इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ये यूनिक फीचर है एनजोस्पम्प का और डबल फर्टिलाइजन जी किया जा रहा जाएगा सिन्गेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन अब जो इसके अंदर जाइगॉट बनता है ये आगे जाकर जायगॉट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो आगे जाकर यंग प्लांट में कन्वर्ट होगा लेकिन जो ये थ्री एंड पैन कन्वर्ट बना है थ्री एंड पैन किसके अंदर बना है प्राइमरी एंडोस्पाम सेल में ये प्राइमरी एंडोस्पम सेल आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगी एंडोस्पाम में और एंडोस्पाम क्या करेगा प्रोवाइड न्यूट्रीशन टू दिंग एम्ब्रियो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा अब जो सभी रिमेनिंग सेल्स हैं एंटीपोडल्स ऑफ इनर्जिट्स ये डिजेनरेट हो जाती हैं और जाइगॉट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रिय यंग प्लांट्स में और थ्री एंड पैन के वाली जो सेल है प्राइमरी एंडोस्पम्प सेल वो काम में कन्वर्ट हो जाती है एंडोस्पर्म में एंडोस्पम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अब जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन में नॉन मोटाइल गैमिट्स को पोलन ट्यूब लेकर जाती है और ये पोलन ट्यूब को ले जाने वाला जो फर्टिलाइजेशन है या जो नॉन मोटाइल गैमिट्स जब पोलन ट्यूब की सहायता से फीमेल गैमिट्स के पास तक जाते हैं इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम सिफेनो गैमस फर्टिलाइजन सिफेनो गैमस फर्टिलाइजेशन Higher में और एनजियम में फर्टिलाइजन होता है लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे में, में motile male gametes होते हैं motile gametes होते हैं और पोलन ट्यूब एबसेंट होती है और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं जूडियो फर्टिलाइजेशन लेकिन साइकस और कुछ अन्य जिम्नोस्पम्स में मेल गैमिट मोटाइल भी होते हैं और पोलन ट्यूब भी बनती है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं जूडियो यानी कि जब मेल गैमिट नॉन मोटाइल होंगे पोलन ट्यूब लेकर जाएगी उन्हें सेफेनोगेमस फर्टिलाइजेशन या फिर नॉमिन को सेफेनोगेमी कहते हैं जबकि जब मेल गैमिट मोटाइल होते हैं पोलन ट्यूब नहीं बनती है उनको ले जाने के लिए तब उसे जूडियो बोलते हैं ब्रायोफाइट्स में टाइडोफाइट्स में सिफेनोगैमस हायर जिम्नोसप्स में रेंजियोस्पम्प्स में होता है जबकि साइकस और कुछ अन्य जिम्नोसपम्प्स में जूडियो के साथ सिफेनोगैमी जाती है यानी कि जूडियो सिफेनोगैमस पाई जाती है यानी कि वहाँ पर मेल गैमिट मोटाइल भी होते हैं और पोलन ट्यूब भी प्रेजेंट होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं जूडियो सिफेनो डबल फर्टिलाइजेशन को अब हम एक बार और सिमराइज करते हैं पोलन ट्यूब की एम्ब्रोसेक्स से एंट्री से पहले या एंट्री के बाद दैट इज फर्टिलाइजेशन से पहले दोनों जो जेनेटिव सेल के न्यूक्लियाई बनते हैं वो मेल गैमिट में कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रकार दो मेल गैमिट बनते हैं उन दो में से एक मेल गैमिट एग सेल से फ्यूज़ होता है जबकि दूसरा मेल गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस से भी होता है एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को हम सिंगगैमी बोलते हैं और इनके इसके परिणाम स्वरूप जाइगॉट बनता है और ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है इसको स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा में डिस्कवर्ड किया था सेकेंड मेल गैमिट जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस से फ्यूज होता है वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है और इनके फ्यूजन से या उनके आपस में मिलने से एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है इसे थ्री एंड पैन बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस और जो सेंट्रल सेल होती है वो क्या में कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पाम सेल में फर्टिलाइजेशन चूंकि यहाँ पर दो बार होता है एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ये यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स का और इसको नुआसचिन ने लिलियम और फर्टिलेरिया प्लांट में डिस्कवर्ड किया था फाइव न्यूक्लियाई और तीन गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में और जो जायगोट बनता है सिनगैमी के परिणाम स्वरूप वो कन्वर्ट होता है जाइगोट में जो एग सेल है वो जाइगोटम में कन्वर्ट हो जाती है डिप्लॉयड में और आगे जाकर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो जो होता है यंग प्लांट में कन्वर्ट होगा जो थ्री एन पैन है यानी कि थ्री एन पी ई सी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पाम सेल वो काय में कन्वर्ट जाती है एंडोस्पाम में और एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है न्यूट्रीशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो और एम्ब्रियो यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है बाकी जो न्यूक् आई है एंटीपोटल इनर्जीट्स ये बाद में डिजेनरेट हो जाती हैं जिसमें पोलन ट्यूब इन्वॉल्व होती है मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिफेनो फर्टिलाइजेशन हायर एनजम्स में और हायर एनजियोस्पर्म्स में ये सिफेनोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ब्रायोफाइट्स में टाइडोफाइट्स में मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और पोलन ट्यूब एपसेंट होती है इसे हम जूडियोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन बोलते हैं लेकिन साइकस और कुछ अन्य जिम्नोसपम्प्स में मेल गैमेट मोटाइल भी होते हैं और पोलन ट्यूब भी बनती है इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम जूडियो सिफेनोगैमिस टाइप का फर्टिलाइजेशन कहते हैं